ओम शांति। आज है 25 अगस्त 2023 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, यह संगम युग है, ब्राह्मणों की पुरी, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न है, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियां बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे मुझ अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि वारिस हैं। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकील धे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। तुम भक्त मुझ भगवान को याद करते थे, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्माएं दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा को सिर्फ कुमारियां ही नहीं थी, कुमार कुमारियां दोनों थे, भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। एक ही बाप के बच्चे एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियां ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है। जो लौकिक भाई बहन हैं, उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक। पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते हैं बच्चे, हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी। वह एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। यह रथ है, इसमें परम पिता परमात्मा सवार हो, बच्चों को यह सिखलाते हैं।
इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे, पावन पुण्य आत्माएं बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते हैं, उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्मों के लिए और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हरेक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवें। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वर्ल्ड ऑल माइटी पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। यह किसको भी समझाना सहज है, इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए यह राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना, तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा आकर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो, वह है दुख का वर्षा, क्योंकि यह है ही रावण राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। यह तो तुम कोई को भी समझा सकते हो, पब्लिक भाषण में भी तुम समझा सकते हो। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए, ऊंच ते ऊंच है ब्राह्मण वर्ण। कौन स्थापन करते हैं? परम पिता परमात्मा। पिता के सब बच्चे ठहरे, ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। यह संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी, फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाएं बनते हैं ना, तो इस समय परम पिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं। बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। यह है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्राएं करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर तुम कामचिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, तो ऊंच ते ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कि यह राजयोग सिखलाकर पूरा करूंगा तो फिर विनाश होगा, फिर जो नई दुनिया स्थापन करते हैं उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते हैं गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को पुकारते क्यों हो, हे पतित पावन आओ। तो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना। स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे जिन्होंने राजयोग सीखा। विकर्म विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, फिर नए सिर पाठ बजाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। यह सब राज समझने के हैं। मनुष्य भगवान को याद करते हैं तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े।
कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं कि धनवान बने, समझते हैं संपत्ति में ही सुख होगा। परंतु भल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज्य तो फिर भी माया का है ना। पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं, इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते हैं यह सर्वगुण संपन्न है। हमारे में कोई गुण ना ही, आपे ही करस परोई। फिर यह कहते हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है, ऊंच ते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। भल कहते हैं परमपिता परमात्मा शिव है, निराकार उपासी है ना। निराकार को याद करने वाले, परंतु वह है कौन? पूरा परिचय चाहिए ना। निराकार को क्यों याद करते हैं, उससे क्या मिलेगा? क्या निराकारी दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता नहीं है। भल सब याद करते हैं, परंतु बिगर परिचय याद करते हैं। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकते, रास्ते का भी पता नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई जानता नहीं जो समझाए। इसके लिए कहते हैं बेअंत है तो फिर याद कैसे करें, कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते कि हम वही हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। जो आता वह कहते रहते हैं, बाप समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंच ते ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी वह फिर ऊंच ते ऊंच कैसे होंगे? एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना, इसको ही धर्म गलानी कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा है, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल, गलानी पिछाड़ी गलानी करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। यह तो बरोबर परम पिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंच ते ऊंच है परम पिता परमात्मा, उनकी महिमा बहुत है, पारावर नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं, मैं क्या करता हूँ? मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे न्यारी है, यह बाप तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवताएं ही डबल सिरताज बने हैं। बाप की है श्रीमत।
भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला न सके। लिखा हुआ है भगवान उवाच, वह है ही हेवनली गॉडफादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। भल कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारत ही आता है। अब है कलयुग शूद्र वर्ण, फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को वंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। यह ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते। घर में सोए पड़े रहते तो बाबा खड़ा करते हैं। तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। अच्छा, मात पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर एक, रुद्र माला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। नंबर दो, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान है, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, पर स्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्वात्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि यह परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराते रहेंगे। स्लोगन है, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए कमजोरियों के नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर ओम शांति बाबा लिखें।